रही हूँ तैयारी और बहुत जल्दीबाजी में हूँ, इसीलिए आप लोग से नहीं कुछ शेयर करी। लेकिन देख सकते हैं मेरी वाला साड़ी पहनी हूँ, ये पहना हुआ है, मेरे छठ पूजा का साड़ी है। और मैं लिपस्टिक नहीं लगाई हूँ, नहीं सिंदूर लगाई हूँ। तो चल रही हूँ माता से, जल्दी से पूजा करूँ। और देखिए चूड़ा पहन ली हूँ, ये वाला सादा सुगाती बहुत चूड़ा। और मैं ये मंगाई थी, ये भी पहन ली हूँ, ये टीका। आप लोग बताइए मैं कैसे लग रही हूँ। अभी तो कुछ नहीं, लिपस्टिक नहीं लगाई हूँ, सिंदूर चढ़ा ले रही हूँ, उसके बाद लगा रही हूँ। तो चलिए झटपट आ देखिए। तो दोस्तों ये सारा मेरा सामान है, अब जा रही हूँ, इधर रखी हूँ। तो मैं जा रही हूँ सब सरियाने के लिए जा रही हूँ, उसके बाद पूजा। अब मेरा पूजा हो गया संपन्न, मतलब पूजा समाप्त हो गया, पूरा हो गया पूजा मेरा। काफ़ी टाइम लगा पूजा करने में, बहुत ज़्यादा टाइम लगा। टूटी बनकर पानी गिर रहा है, बहुत ज़्यादा टाइम लगा। अब मैं मेकअप वेकअप आज कुछ नहीं करी हूँ, बस झाड़ा सा क्या लगाई हूँ, सुखल का पाउडर लगाई हूँ, बस हो गया। आज इतना जल्दीबाजी में थी कि मैं मेकअप भी नहीं कर पाई, और क्या बताऊँ, आज मेरी इतना बुरी हालत थी। ये करो वो करो, थोड़ा मोड़ा गलती हो गया होगा, तो माता रानी भगवान माफ़ करेंगे मुझे। और इस बार जल्दी पूजा करना था ना सुबह सुबह, इसीलिए ऐसे हो गया। मैं पिंक वाला सिंदूर लगाई हूँ अपने सिंदूरी से, और बताइएगा। अब मेरा पिन खुल गया था दोस्तों, पूजा करते करते पिन खुल गया। ये वाला काफ़ी मोटा है साड़ी, थोड़ा
इसीलिए ऐसे हो जाता है, मोटा मोटा साड़ी है। तो आप लोग भी माता रानी से जो मांगना है वो मांग लीजिएगा, भगवान से, भोलेनाथ से, शिव परिवार से। साड़ी जितनी मेरी माता और मेरी बहनें हैं, मेरी माताएं हैं और जो मेरी भाभी है, साड़ी के मैं आज दुआ दे रही हूँ। सारा मतलब खुश रहे, अपने ज़िंदगी में आगे बढ़े और जन्मों जन्म सदा सुहागिन रहो। उसके बाद मैं भी सदा सुहागिन रहूँ, जन्म जन्म तक मुझे भी दुआ दीजिएगा, मेरे सुहाग अटल रहे, बना रहे। माता रानी मेरे सुहाग बनाए रखे, मैं जब तक जीऊँ जब तक करूँ, ठीक है। तो आप लोग से दिखा रही हूँ, थोड़ा सा बैठ जाऊँ। और इधर देखिए, मिठाई खा गए। ये पेड़ा था दोस्तों, बहुत अच्छा वाला पेड़ा है, पूछिए मत, बहुत टेस्टी है। और यही मैं गुजिया उजिया नहीं बनाई थी ना, तो ये लाई थी और लड्डू लाई थी, तो पार्सल कर रहे हैं। पापा के लिए भी रख देना, भैया दीदी के लिए भी, अभी नहीं आए हैं स्कूल से। आज मुझे थोड़ा लेट हो गया पूजा करने में, बट कोई बात नहीं, भगवान माफ़ करेंगे। शाम के होता है ना तो बहुत अच्छा से हो जाता है, शाम के सारा सामान भी जुगाड़ जाता है, जो घाटा बढ़ा रहता है सब अच्छा से। तो देख लीजिए, मैं मंडप सजाई हूँ, जैसे आया है वैसे मैं मंडप सजाई हूँ, जितना बुझाया है उतना, और फल उल चढ़ाई हूँ। और उधर दोस्तों मैं सामान रखी हूँ पंडित जी को देने के लिए। हाँ दोस्तों, एक चीज़ भूल गई हूँ मैं, चावल, आटा, दाल, नमक, ये सब नहीं काढ़ी थी, क्या है बताऊँ, कोई होता तब ना, मैं आगे पीछे इसी में काम अभी है, अभी भी परेशान करने लग जा रहा था। और इधर उधर मैं क्या करूँ ना करूँ, दिमाग छिटा गया था, लेकिन भगवान जो करे अपना अच्छा करी, हंसी खुशी से करी। मेरे पति देव शाम के आ जाए, बस उनका पूजा करूँगी, उनसे आशीर्वाद लूँगी। बस आप लोग भी ढेर सारा मुझे आशीर्वाद दीजिएगा, मेरे सिस्टर, भाभी, बहन, माता, जो भी है, पापा, मम्मी, मुझे ढेर सारा आशीर्वाद दीजिएगा, आप लोग के आशीर्वाद की ज़रूरी है। और बताइएगा मेरे वीडियो कैसे लगा, अच्छा लगा होगा तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट करना। जो नई लोग होंगे वो भी लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट करेंगे और मुझे सपोर्ट दीजिए, मुझे आगे बढ़ाइए। तो चलिए, फिर मिलते हैं एक अच्छे वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।